अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड रसमलाई की रेसिपी। ये हम कैसे बनाएंगे, चले आए देखते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमने एक पॉट में ले लिया है ऑलमोस्ट 1.5 लीटर दूध। इसको अब हमने अच्छा से बॉईल दे, इतनी देर हमारा दूध बॉईल हो रहा है। हमने 3 ब्रेड के पीस लिए हैं, इनके किनारे उतार लेंगे। इसके हमने कॉर्नर सारे उतार लिए हैं, अब हम इसको दरमियान में से 4 पीसेस कर लेंगे। अब ये जो हमारे कॉर्नर बचे हैं इनको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम लोग क्रम्स बना के फिर यूज़ करते हैं। जैसा कि दूध उबल चुका है, इसको हमने अब 10 मिनट तकरीबन हल्की आंच पे पकाना है। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम दूध में ऐड करेंगे ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। अब इसमें शुगर ऐड कर देनी है, हस्बे जायका आप कर लें, मैं तकरीबन 3 ही टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब हम साथ अपनी सर्विंग डिश सेट कर लेंगे, उसमें हम नीचे लगा देंगे ब्रेड के पीसेस, के अंदर डाल देंगे हम अपने ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। ठंडा दूध आपने कटोरी में लेना है और उसमें कस्टर्ड ऐड कर लें। अच्छा, कुछ लोग फ्लेवर नहीं भी ऐड करते, लेकिन मैं जरी बात बच्चों ने खाना है तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग थिकनेस के लिए सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम थोड़े से दूध में तकरीबन 2 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो कस्टर्ड वाला दूध हमने बनाया है मिक्सचर, वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन इसमें हम 7 से 8 चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि वो गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और 7 से 8 चम्मच हिलाते जाना है। अब जैसा कि हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको ब्रेड के साथ निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको अब आप तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको हमने 2 घंटे फ्रिज में रख के चिल कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, देखें इससे ही सॉफ्ट सी बनी है और चेक करके बताते हैं। बहुत ही मज़े की है, कस्टर्ड से इसका टेस्ट मज़े का आ रहा है, सही डिफरेंट आ रहा है। आप ट्राई करें ज़रूर और हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर रिव्यूज दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।